सो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब यहाँ पे फिर से आ चुके हैं आज पार्ट 12th है इस चैप्टर, यानी आज क्लास नंबर 12th इस चैप्टर का हम लोग आ चुके हैं, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आज भी पार्ट नंबर 12th है। 11 पार्ट्स हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर लिया, जहां हमने स्टडी कर लिया था क्लास नंबर 1 to 5 में हमने स्टडी किया था कंप्लीट ऑल थिंग अबाउट द मीन। फिर क्लास नंबर 5 से 11 तक हमने सीख लिया मीडियंस एंड कोटायर के बारे में। आज लेक्चर नंबर 12 है इस चैप्टर का, जहां से हम स्टार्ट करेंगे मोड को लेकर। जी हाँ, चलिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन दे देता हूँ और इस पूरे मोड को। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि मोड में 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज का, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज का, और एक होता है क्लास इंटरवल या कहिए कंटिन्यूअस सीरीज का। आज के इस लेक्चर में आपको मैं सिखा दूंगा कंप्लीटली, अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का हुआ या क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का हुआ तो मोड कैसे सॉल्व करते हैं। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड के द्वारा भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, थोड़ा सा समझते हैं आखिर मोड होता है क्या पहले, तब आगे बढ़ रहे। देखिए, अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड जो मेनली वर्ड है हमारा, ये वर्ड आपका ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ला फैशन। ठीक है, फैशन जिसको आप बोल सकते भी हो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कैसा, व्हाट इज मोड, मोड क्या होता है। मोड मतलब होता है कोई चीज कितने ज्यादा बार अकर होती है, उससे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जो चीज जितने ज्यादा बार अकर होगी वो उसका मोड बन जाएगा। एग्जाम्पल सपोज कीजिए, मैंने कहा ये 4 है, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10। अब मुझे आप ये बताओ इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, इस टेबल में सबसे ज्यादा आपका 6 आ रहा है, तो 6 क्या इस क्वेश्चन का मोड है। तो मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी सबसे ज्यादा बार जो चीज अकर होता है मिलता है हमें, उससे हम लोग मोड कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का मोड क्या हो गया, 6, क्योंकि ये इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आपको अच्छा से आ गया होगा आखिर मोड क्या होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में, फिर बाद में से और भी जो थ्योरीज होंगे वो डिस्कस करते चल रहा हूँ मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोड साथ में। पहले बात है यहाँ पे, मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोग मोड के 2-4 सीखेंगे, अगर सीरीज इंडिविजुअल हुई तो सीख लेंगे और अगर सीरीज डिस्क्रीट हुई तो दोनों सीख लेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, मैं स्टार्टिंग करता हूँ सबसे पहले मोड के साथ में। अगर हमारा सीरीज क्या हुआ, इंडिविजुअल सीरीज हुई तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, देखिएगा इंडिविजुअल सीरीज, देखिएगा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मोड को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा सीरीज क्या हुआ इंडिविजुअल हुआ। देखिएगा अब देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे 2 है यहाँ पे, ठीक है 2 मेरा लिख मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 है मेरा, मैंने लिख दिया मेरा यहाँ पे 8 है मेरा, मैंने लिख दिया यहाँ पे मेरा 10 है, मैंने लिख दिया यहाँ पे मेरा 2 है, मैंने लिख दिया मेरा यहाँ पे 6 है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे फिर से एक बार मैं लिख दिया मेरा 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, अब देखो मुझे बताओ ये जो मेरे सीरीज एक इंडिविजुअल सीरीज है नहीं है, हाँ सर इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, हाँ सर, नाउ इस सीरीज में मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार क्या अकर हो रहा है, सर इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है हमारा सर वो 6 है। तो 6 देखो कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार आया है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा बार आने वाले चीज को मोड बन जाता है आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, 6 बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, जो सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा क्या आता है, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्वेश्चन इज होप सो यू हैव अंडरस्टूड कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने आपको पहले ही क्लास में सिखा दिया फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कोई चीज कितने बार अकर हो रही है, फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, समथिंग कितने बार अकर होती है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फाइन, जैसा हमने पढ़ा भी होगा बहुत बार जो पेंडुलम होता है, हमारा पेंडुलम 1 सेकंड में कितने बार आपका बॉब मूव कर रहा है, उसे उसी हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फाइन, जैसे मैंने कहा कि जो आपकी जो घड़ी आपकी होती है, जो वॉच आपके पास होता है, तो 1 मिनट में जो जो आपका मान सपोज कि मैंने कहा कि जो आपकी घड़ी आपकी वॉच है, ठीक है, तो ये 6 है, ये 3 है, मान लीजिए आपका 9 है। ठीक है, मैंने कहा कि एक घंटे में ठीक है 1 आवर में जो आपका ये मिनट वाली घड़ी, जो मिनट आपको होता है मिनट वाला, ठीक है मिनट हैंड जो आपको होता है, जो मिनट वाली जो आपकी यहाँ पे होता है,
तो वो बताओ कितने बार घूमता है? एक बार घूमता है एक घंटे में, है ना? हाँ सर। तो वैसे चीज़ लिखा गया कि कुछ कितने बार अकर होती है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आपको अच्छा से आ गया? हाँ सर। चलिए तो मूविंग है, आगे बढ़ जाए फिर आप फटाफट। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं, आप फटाफट से आगे जो आपको सिखाना है आपके ध्यान रखिएगा। एक तो हमारा ये तरीका हो गया, एक लिए हमारा हो गया। हाँ सर कुछ चीज और आपको सिखा देता हूँ मोड के बारे में। देखिएगा मोड को पता करने का एक हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है। मोड को पता करने का हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है, लिख देता हूं मैं आपके। हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला कुछ ये होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये भी हमारे पास इस तरीका हमारे पास होता है मोड निकालने का कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी मोड को निकाल सकते हो, ठीक है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है? अब इसको ना ये रिलेशनशिप है, ये क्या आप इसको रिलेशनशिप भी कर सकते हो कि रिलेशनशिप है मोड मीडियन और मीन का, ठीक है? अब कैसे बना है, क्यों बना है, ये फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये थ्योरी का पोर्शन हमारा मेन है कि आखिर कैसे बना, ये क्यों बना, कहाँ काम आता, ये सब चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी अब चौक में डिस्कस करूंगा, बाकी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हाँ अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपको। लेकिन अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, अगर हम पीजी लेवल की बात करें, ठीक है, तो या ट्वेल्थ लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं आप लोग के लिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ सर। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हमारा फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है? एग्जाम्पल फटाफट लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए मेरा क्वेश्चन है जिसका मीडियन, मान लीजिए जिसका मीडियन हमारा 10 आया हुआ है और जिसका मोड हमारा मान लीजिए 5 आया हुआ है। मुझे बताओ फटाफट मोड नहीं, इसका मीन मान लीजिए आप, इसका मान लीजिए मैंने कहा मीन 5 आया, मुझे बताओ फटाफट इसका मोड क्या आएगा? तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन यानी 3 × 10 माइनस 2 × मीन, मीन कितना 5 है, हाँ सर, तो 30 − 10 = 20। तो ये क्या गया मोड आ गया, मोड क्या आ गया इसका 20 आ गया, ठीक है? तो मैंने तो अभी दो चीज सिखा दिया, अगर इंडिविजुअल सीरीज ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर सिर्फ एक डेटा एक रो रहेगा हमारे पास में तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ सर। नाउ पॉइंट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में मीडियन और मीन देगा और तब मोड पूछ रहा है तो सिंपल से ये लगा लो 1 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सब इतना जो लंबा ग्रुपिंग मेथड होता है, इतने नंबर ऑफ मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। अभी हम लोग जो क्लास नंबर यानी जो पार्ट नंबर 13 होगा इस चैप्टर का, वहां पे आपको सिखाऊंगा कि मोड को कैसे सॉल्व करते हैं क्लास इंटरवल वाले सीरीज में, क्योंकि वहां पर अगर क्लास इंटरवल में सॉल्व करोगे तो वहां पर फॉर्मूला बदल जाएगा और फॉर्मूला अलग हो जाता है आपका, ठीक है? तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब अगर आपके पास क्वेश्चन में मीडियन और मीन दिया है ना तो ये लगा के निकालो तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा और आंसर वही आएगा जो वहां पे आता है, बेटर होता है, अच्छा होता है, ठीक है? हाँ सर, ना समझ में आपको आ गया? तो हमने दो चीज देख लिया, इंटरवल सीरीज हो तो और मीडियन और मीन क्वेश्चन में दिया हो तो कैसे मोड निकालें, ये तरीका हमारे पास होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चौधा लिखिएगा, मान लीजिए मैंने कहा ये रो, मान लीजिए सपोज कि मैंने कहा इसका मोड निकालो 2 है 4 है 2 है 3 है 4, बताओ मुझे मोड बताओ इसका, इसका मोड बताओ मुझे। सर तो दिक्कत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर 2 भी 2 बार आ रहा है और 4 भी 4 बार, अब बताओ अब क्या करोगे इसका? क्योंकि देखो मोड ना क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर होगा वो मोड बन जाता है। यहाँ पर तो 2 आ रहा है ना यार, ये गेम में 2 जैसे कहते हैं ना एक मैदान में 2 तलवार कैसे रह सकती, वैसे ही अरे भाई 2 आंसू कैसे आ सकता है इसमें, बताओ मुझे। 2 और 4, 2 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है ना, हाँ सर। तो क्योंकि आंसर तो एक ही कोई बनने का, या तो 2 या तो 4, कोई एक हारेगा एक जीतेगा, समझ में बात को, हाँ सर बस ऐसे ही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन में ग्रुपिंग टेबल लगाना पड़ सकता है, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको ग्रुपिंग टेबल लगाना पड़ सकता है। साथ साथ अगर आपके पास डेटा अवेलेबल हो मीडियन का, ध्यान सुनिएगा, अगर डेटा अवेलेबल हो मीडियन का या मीन का, तो फिर आप अभी मैं जो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया, आपको सिखाया ना फॉर्मूला मैंने मीडियन और मीन वाला, वो लगा के निकाल सकते भी हूँ। बात समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ सर, या फिर आप इस क्वेश्चन को भी मानिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन आ गया, ये क्वेश्चन आपको सपोज ये क्वेश्चन आपका है, अब आपको निकालना है इसका मोड बताओ, इसका मोड बताओ। देखो इसका मोड दो कैसे निकाल सकते हैं, एक तो ग्रुपिंग टेबल से निकाल सकते हो, हाँ सर, और ऐसे कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो आपके पास इसका मीन निकाल लो, इसका मीन निकाल सकते हो आपके, हाँ सर। तो इसका मीन क्या होगा, तो मीन क्या होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितना आपका जाएगा, तो 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 3 = 11 + 15 15/5 3 years. इसका मीन आ गया, हाँ सर इसका मीडियम होता फटाफट। तो मीडियम कैसे करते हैं, पहले सर मीडियम को सॉल्व करने के पहले क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हाँ, जिसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2, 2, 3, 4, 4 कितने नंबर से, 5 नंबर से फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, एन प्लस वन अपॉन टू पहले कितने बार, तो एन 5, 5 + 1 = 6, 6 / 2 थर्ड आइटम तो थर्ड आइटम क्या, इसमें 3 है। हाँ सर, तो मीडियम इसका क्या आ गया, इसका मीडियम क्या है, इसका मीडियम क्या है 3 है। नौ, तो मोड का फॉर्मूला क्या देखा, फॉर्मूला क्या देखा, मोड का फॉर्मूला होता है 3 medium - 2 mean ना फॉर्मूला होता है। हाँ सर, तो 3 medium, मीडियम कितना है, मीडियम कितना हमारा, मीडियम 3 है, तो 3 * 9 मीन कितना है, मीन कितना है मेरा 2 × x कितना है, मीन लग 3, ये लो कितना जाएगा 9 - 6 कितना जाएगा लो 3, तो 3 क्या हो गया मोड आ गई, ये लो मोड क्या है, मोड भी 3 है, ये मोड भी क्या है 3 है। देखो पहले क्या बन लग रहा था और आंसर क्या बन गया, बात समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, तो इसमें ना 2 जाना चाहिए था, आंसर जीत गया 3 जीत गया क्वेश्चन में। तो ये बता रहा अगर दो बार अगर आ गया तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे आप पता नहीं कर पाओगे आपका आंसर क्या आने वाला है, तो ठीक है। तो या तो ग्रुपिंग मेथड लगा के सॉल्व कर लो, या तो इस रिलेशन से कोई तौर आप सॉल्व कर लो, पहले मीन निकालो, मीन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, मीडियम निकाल लो। हाँ सर, फिर फॉर्मूला कर दिया 3 medium - 2 mean, तो मीडियम मेरा 3 था, 3 का कितना मेरा हो जाएगा, ठीक है, ऑफिस वगैरह निकाल दिया, बात समझ में आ गया। तो हमने क्या सीख लिया, हम ये क्लास में सीख लिया देखा इंडिविजुअल सीरीज कैसे सॉल्व करना है, अगर इंडिविजुअल सीरीज में अगर दो बार डेटा सेम हो गए तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर मीडियम और मीन दिया हो तो कैसे सॉल्व करना, हम इस चीज को सीख लिया। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो लंबा सा क्वेश्चन है, अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हुआ तो, अगर क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट सीरीज का हुआ जहां पे एफ ऑफ दोनों रहा तो कैसे सॉल्व करना है, अपने आप बोर्ड पे सीख लो। चलिए देखते सीरीज का क्वेश्चन आगे, यानी जिस क्वेश्चन में एफ ऑफ दोनों रहे तो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिएगा, इसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं ग्रुपिंग मेथड, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। अब देखिए ग्रुपिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करता है, पहले हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे और फिर उस चार्ट का एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। देखिएगा कैसे, ये देखिएगा ये एक्स और एफ हमारा है ना यहाँ पे। हाँ सर, देखो अब देखो मैंने क्यों कहा, देखो क्यों, देखो यहाँ पे देखो, आप इसको देखो, देखो देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रही, सर ये ज्यादा 9 है, अच्छा यही है, नहीं सर ये भी है, ये तो या तो आंसर 12 होता या तो आंसर 14 होता, वही बात मैं आपको दिखा रहा, अगर सीरीज ऐसे हो, अगर मैंने देखा अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो वैसे निकाल सकते थे, मैंने आपको कहा कि वहां भी मेथड लग सकता था। अब देखो अगर डिस्क्रीट सीरीज हुआ, यानी कि अगर ये सीरीज हो गया एक्स एफ दोनों लगे तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये एक्स एफ है ना, हाँ सर, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, पहले मीन निकाल लो, फिर मीडियम निकाल लो और फिर माइनस कर दो, मोड आ जाएगा, जिससे मैंने सिखाया आपको एक अभी तरीका है, ये एक्स है ये एफ है, लगा करो मीन निकालो फिर मीडियम निकालो और फिर निकालो सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको सिखा चुका पहले भी क्लासेस में, 11 पार्ट्स में ये सीख लिया, मेरे मीटिंग कैसे निकालते हैं, वैसे लगा कर लो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधा सा मोड निकालूं तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल से मोड निकालना तो क्या करेंगे, तो पहले क्या करो, देखो पहले आप फ्रीक्वेंसी ना निकालिए, पहले फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे ना, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट है इसको गोला कर लो पहले, ये और ये मेरे काम का है, अभी बताएंगे क्या काम होगा। अब ये मेरा पहला काम है, दूसरा चीज मेरा, अब दो दो का पेयर बना के ऐड करो, दो दो पेयर, जैसे देखो इसको ऐड करो पेयर बना के, तो कितना तो हो जाएगा 6 × 5 = 11 और फिर ऐड कर लो 15, कितना तो हो जाएगा 17, फिर ऐड कर लो 15। अब इसमें हाईएस्ट दो कौन सा ये है, इसको बोला करो, मेरा काम का बताएंगे क्या। अब हमने पहले इसको ऐड किया था ना, हमने इसको ऐड किया, अब हम लोग यहां से ऐड करेंगे, पहले छोड़ दो यहां से ऐड करो, ये लीजिए इसको जो छोड़ गया छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 14 16 17 छोड़ गया छोड़ दो, हाईएस्ट में कौन सा है ये मेरे काम का है, ठीक है ना। हाँ सर, नाउ अभी देखो पहले हमने क्या किया, पहले वाले में हमने ऊपर जो दो दो ऐड किया था उसको इसको इसको इसको, अब फिर दूसरा जब दूसरा मैंने रो बनाया, ये तो ये पहला रो था, हाँ सर ये एक रो था हमारा, एक ये रो बना, ये कॉलम है हमारा, ये कॉलम हमारा, जब इस कॉलम में हमने क्या किया, हमने इस कॉलम में यहां से बनाया, यहां से देखो पहले वाले में टॉप टू बनाना है, पहले वाले में टॉप से बनाना है, फिर दूसरे वाले कॉलम में पहला छोड़ को सेकंड से बनाना शुरू करो। अब क्या करेंगे इस वाले कॉलम में, देखो क्या करेंगे हम, इस कॉलम में
तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तीन तीन का स्टार्टिंग से। तो देखो इतना तीन एक पेयर बन गया हमारा, हाँ सर। तो यहां से तीन एक पेयर बन जाएगा, हाँ सर। ये बना लेना छोड़ दो। तो देखो कितना जाएगा, ऐड कर दो उसको, 14 14 5 90। इतना हो गया। अब इसको यहाँ पे तीन ऐड करेंगे तो 9 7 16 16 और 8 24। ये कितना मेरा, कौन सा मेरे काम है, मेरे काम का 24। अब ठीक है, अब फिर बनाएंगे, फिर से 3 3 ऐड करेंगे क्या, पहला छोड़ के यहां से, यहां से देखो तो 6 8 7 फिर 9 8 9। ये लो दो कितना आपका जाएगा यहां से, तो ऐड करो 8 6 14 14 और 7 14 और 7 21। फिर यहां पे देखो 9 8 17 17 और 9 26। ये लो हमारे लिए काम का हाईएस्ट वाला काम का बस मेरा है, बाकी सब बकवास है मेरे लिए। बस एक और, बस एक और बनाएंगे यहाँ पे। अब ऊपर दो इसको, यहां से ऊपर दो छोड़ दो, कितना आ जाएगा देखो, कितना आ जाएगा 8 9 7 15 15 और 9 24 24। फिर यहाँ पे 8 9 17 और 17 और 6 23। काम में कौन सा, ये वाला हमारा हाईएस्ट वाला, ये लीजिए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कैसे क्या क्या किया। देखो पहले वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट में उठा लिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठा लिया पहले वाले में, हाँ सर। दो था, दोनों को गोला कर दिया मैंने। इस वाले कॉलम में, इस कॉलम में हमने स्टार्टिंग में दो दो ऐड किया, शुरू ऊपर से दो दो ऐड करना शुरू कर दिया, दो दो। फिर इस कॉलम में पहला वाला छोड़ दिया, दूसरे वाले से दो दो ऐड किया, पहला छोड़ दिया। इस कॉलम में शुरुआत के स्टार्टिंग से फिर तीन 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 तीन। इस कॉलम में पहला छोड़ दिया, दूसरे वाले से तीन तीन। इस वाले में दो छोड़ दिया, फिर तीन तीन। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्या करना, पहले वाले में स्टार्टिंग का टू इस वाले कॉलम में, फिर दूसरे वाले करने समय क्या, पहला वाला छोड़ दो ऊपर वाला और फिर दो दो बनाओ। फिर स्टार्ट इस वाले क्या करना, इस वाले कॉलम में स्टार्ट ऊपर से तीन, फिर अगले कॉलम में ऊपर वाला छोड़ दो, फिर तीन जोड़ो। फिर इस वाले में ऊपर के दो छोड़ दो, यहां एक छोड़ा दो छोड़ दो और फिर तीन तीन कर दो। ऐसा आपको करना है, ठीक है ना। ये लीजिए मेरा हो गया नौ। अब हम इसका बनाएंगे कि एनालिसिस टेबल। ये लिखो यहाँ पे एनालिसिस टेबल। देखो कैसे करेंगे, इसे को कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। अब देखो ध्यान देखना क्या करना आपको, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम्स, जितने आपको कॉलम्स हैं। तो कितने कॉलम्स आपके, देखो ये भी कॉलम है आपका, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सिक्स कॉलम है पास में। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हाँ सर। ये बात, अब यहाँ पे लिखेंगे ये जो मेरा, यहाँ पे क्या करना, इस साइड क्या करना, इस साइड। देख यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया कितने मेरे रोज थे, तो कितने मेरे कॉलम, 1 2 3 4 5 कॉलम, सिक्स कॉलम थे, मैंने सिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर में ऐसे ऐसे रो साइड में आप ये देखो साइज लिखो, तो साइज कितने हमारे यहाँ पे 8 का 1 है, हाँ सर। एक 9, देखो 15 तक बनाना, 9 का 1 है, 10 का है, एक 11 का है, एक 12 का है, एक 13 का है, 14 का, और एक 15 का। ये लो ठीक है, हाँ सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अब देखो आप, अब मुझे बताओ, देखो अब यहां से चेक करो, पहला ये था ना, पहला आपका कॉलम ये है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, पांचवा कॉलम है और ये सिक्स्थ कॉलम आपका, ठीक है ना, हाँ सर। देखो मुझे बताओ पहला कॉलम में हाइएस्ट कौन सा है, सर 9 9 ये था, तो 9 के सामने क्या 12 है, वहां पे पहले यानी देखो पहला कॉलम, हाँ, तो पहले कॉलम में देखो हाईएस्ट कौन सा 9 और 9 ही है ना, हाँ सर। तो उसके सामने वाला साइज देखो कौन सा 12 है, तो पहले वाला कॉलम में सामने कौन सा है 12, यहाँ पे लाइन खींच दो, और यहाँ पे देखो 14 के सामने भी 9 था, तो 14 सामने 9 खींच दो, हो गया। अब यहां चेक करो पहला कॉलम काम खत्म हो गया, अब सेकंड कॉलम पे आओ, सेकंड कॉलम पे इस पे आना, सेकंड कॉलम पे पहला कॉलम काम हो गया मेरा, इसका मेरा लाइन खींच, मेरा इसका वर्क हो गया। नाउ सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में देखो हाईएस्ट कौन सा है, सर ये 17 है, 17 को देखो एक्स कौन सा था, 17 को हमें बनाया कैसे था, इससे बनाया था, देखो कौन सा इसमें साइज कौन सा 12 और 13 है, हाँ सर। तो 12 को भी बना दो खींच दो लाइन और 13 को भी, ये इसका काम हो गया मेरा। अब देखो ये मेरा अब कौन सा आ गया, मेरा थर्ड कॉलम पे आ गया मेरा, हाँ थर्ड कॉलम देखो, तो थर्ड कॉलम हाईएस्ट कौन सा सर 17 है, 17 कैसे बना था, 17 बना था इसको और इसको ऐड करके बना था, हाँ हाँ सर। तो इसके सामने कौन सा एक्स है, 13 और 14 था, ये लो 13 को टिक करो
और 14 टिक कर लो, थर्ड के काम हो गया मेरा। अब आगे इस कॉलम पे, फोर्थ इस कॉलम पे, अब देखो इस कॉलम हाईएस्ट कौन सा सर ये है, तो ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों सर में एक्स कौन सा था 11 पे 13 है, ये लो 11 12 13 ये लो सर काम हो गया। अब देखो आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, ये हो गया। अब अच्छा आ जाओ फोर्थ कॉलम पे, आ जाओ फोर्थ कॉलम पे, फोर्थ कॉलम हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ कॉलम पे, देखो अब देखो फिफ्थ कॉलम हाईएस्ट कौन सा हमारा 26 है, 26 तो कैसे बनता है ये इन तीनों का करते हैं 12 13 14 को, ये लो 12 13 14 को ये लो। अब आ जाओ लास्ट कॉलम, आ जाओ देखो लास्ट कॉलम हाईएस्ट कौन सा ये है हमारा, हाँ सर कैसे बना है ये, बना किसको जोड़ के, ये बना है 10 11 12 को जोड़ के, ये लो 10 11 12 को, ये लो। अब काउंट करो, अब काउंट करो, देखो सबको काउंट करो, यहां पे 0 है, यहां पे 0, यहां पे 1 है, यहां पे भी, यहां पे 2 आ गया, यहां पे हमारा 5 आ गया, यहां पे 4 है हमारा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, ये अब बताओ इसमें हाईएस्ट कौन सा ऐसा है, हाईएस्ट इसमें 5 है, ठीक है 5 के सामने x कौन सा था 12 था ना, इसका आंसर 12 है, मोड क्या क्वेश्चन का 12 है, ये मोड के क्वेश्चन का 12 है, क्लियर मानोगे कैसे मैंने किया, हाँ सर। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया क्या करना, इस क्लास के बाद देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर क्लास में डाउट हो कुछ भी करके, एक डाउट हो ना, हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है, हमने तब सीखा जब मोड सीरीज इंडिविजुअल हो, हमने तब सीखा क्वेश्चन जब मोड में इंडिविजुअल में डबल आ जाए, हमने तब सीखा क्वेश्चन अगर मीन मीडियन आए तो कैसे सॉल्व करना है, हमने क्वेश्चन सीखा अगर मीन मीडियन मोड हो तो कैसे सॉल्व करना है, हमने फिर सीखा इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का एक्स और एफ रहे तो कैसे सॉल्व करना है, इतना कुछ हमने सीखा। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, इस क्लास को अगर डाउट हो तो दोबारा देख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 100% शॉर्टी इस क्लास को देखने के बाद दोबारा ये डाउट कभी अपने रह जाएगा, बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा मैं कैसे कैसे ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा पहली बार, लेकिन इस क्लास को दोबारा देख लेंगे यकीन आपको अच्छा सा जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं आप सभी क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं क्लास नंबर 13 में इस चैप्टर जहां पे देखेंगे इसी तरीके को क्लास इंटरनल वाले एक अलग तरीके से सॉल्व करने वाले मेथड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।